कलंक को मिटाने के लिए मैंने बेटा को सजा दिया बाप के सामने। तो हे द्वारकाधीश, इतना काम कर देना। कौन सा? अरे हाथ जोड़ की बिनती तुमती, मेरी लाज तब ही बचेगी तब मेरा बेटा जीतेगा रणभूमि। और इधर सामना हो गया था अर्जुन से, तो अर्जुन ने कही, बेटा तू जानता नहीं है, मैंने महाभारत की लड़ाई में गंगा पुत्र भीष्म जैसे महर्षि को मारा जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। बबरा बहन की तुम कह रहे हो जा बात है, क्या भीष्म जैसे वीर को मारा है? तो एक बात मेरू सुन क्या, अरे उनके प्राण लाए धोखे दी, लाए धोखे दी जला लो चढ़ाई उठाई अब माला हाथ उठाई उठाई अब माला हाथ, उनके प्राण लाए धोखे दी, लाए धोखे दी का सामना करने से, और तुमने गंगा पुत्र भीष्म जैसे वीर का वध किया। भगवान कन्हैया ने पीछे तक ही अर्जुन ने तीर अंदाजे पिछली किताब है जानतो है, अब ही नहीं महाराज ऐसे नहीं, ऐसे हिम्मत थोड़ी यार हुआ। तो श्रोता बंधुओं, इधर से कुंती पुत्र अर्जुन थे और उधर से बब्रा बाहन थे, तो महतारी भजन कर रही है कि हे द्वारकाधीश, आज मेरी कोख की इज्जत तब ही बचाई तब मेरा बेटा रणभूमि में जीते। और इधर अर्जुन का सामना हो रहा था, जब सेना मर रही थी और कट कट के गिर रही थी श्रोता बंधु, तब कही अर्जुन ने, बब्रा बाहन ध्यान से सुन, लड़ाई मेरी और तेरी है, इन सैनिकों को क्यों मरवा रहा है? तो उसी समय तर्कस में जब हाथ डाला है बब्रा बाहन ने, श्रोता बंधु हुआ क्या, ज्वाला को जो पति मरो बेशक्ति आई गई हाथन में, और डोरी अपे धर खींच लई, और बेटा सोच रहो मन में, तुम पे रूठ गयो जगदीश, अरे सबरी सुरत मना ले हुई अपनी, अरे तेरा धरती का हट दूंगो सीधा, अरे तेरा धरती का हट दूंगो सीधा। शक्ति बन गई थी तर्कस में, उसके तीन नोक थी, तीन और तीन नोक थी और डंडी एक थी, और जिसमें वो तर्कस में से निकल कर डोरी पर रखी है बब्रा बाहन ने, तब कह दिया कि मैं इससे तुम्हारा सर काटूंगा, आत्म बचाने वाला कोई नहीं होगा दुनिया में। और अर्जुन ने कही कि बब्रा बाहन, ये सेंटी तेने जो मेरे ऊपर चढ़ाई है, अगर इसके बीच में से दो भाग नहीं कर दिए तो रणभूमि को छोड़ के और शरीर को अग्नि समाधि में प्रवेश कर दूंगा, क्या समझता तू मुझे जानता नहीं, दो भाग कर दूंगा तेरी सेंटी को। बब्रा बहन ने कहा, ठीक है महाराज, तुम तो दो भाग करना,
और मैं इसी 37 अगर तुम्हारे सर को नहीं काट पाया तो लौट के अपनी महतारी को अपना मोह नहीं दिखाऊंगा। दोनों तरफ से जब प्रतिज्ञा बनी है, अब भगवान कन्हैया रथ को हांक रहे थे, रथ को हांक रहे थे और जास में दोनों तरफ के शब्द सुने। श्रोता बंधुओं, 18 दिन में अपनी विद्या को नहीं भूले, 18 दिन में अपनी विद्या को नहीं भूले और आज जितनी विद्या जानते थे भगवान सब, और भूले क्यों? क्या मन में सोचा कि आज इस युद्ध में विजय करानी चाहिए तो किन की करानी चाहिए, क्योंकि विजय तो उसके हाथ में, जहां धर्म है वही कृष्ण है और जहां कृष्ण होता है वही विजय होती है। तो उस समय भगवान कृष्ण विचार क्या करते हैं, कैसे? अरे कऊ जीती कुमारू राणा जावे,
है तो कान में आवाज आ रही है सीधे लंके में क्या कन्हैया पे तुम्हारा भजन कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी महतारी तुम्हारे नाम की माला घुमा रही है कि आज की लड़ाई में मेरे बेटा की जीत होनी चाहिए। और बेटा माँ सोचे तो तक इधर के कान में आवाज आ रही है कि तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, सुभद्रा रो रो के मर जाएगी, कन्हैया तुम पर जवाब पैदा नहीं होगा। तो जाऊलंग की सोची और जाऊलंग की सोची तब तक दोनों तीर चले, और जो दोनों तीर चले श्रोता बंधुओं अर्जुन का तीर आज बब्रा बाहन के तीर में जाकर गया। तो भगवान के घोड़ा की बाघ हाथ से छूट गई रणभूमि में, और आज कन्हैया के दोनों हाथ ऊपर, दोनों तरफ को जब हाथ उठ गए थे द्वारकाधीश के, तो श्रोता बंधुओं दोनों ही तीर कामयाब हो, हाथ दोनों ही तरफ उठ गए थे, और हुए कैसे? तीर चला जब बेटा को और इतर अर्जुन ने डांटो है, खेच बाण को मार दो जन तीर बीच से काटो है, इतमे देख रहे जगदीश आगे की नोक बाण की आई, अरे यार अर्जुन को काट दो से कट गया, और तीन नोक वाला बाण था तीन, तो दो नोक तो धरती पर गिर गई और एक फर आगे वाली सीधी चली गई सो अर्जुन के सर में, और जब शीश काट के पृथ्वी पर गिरा दिया बब्रा बाहन ने, और उसी समय जब रण का बिगुल बजा है और बिगुल बजाता हुआ लौट के अपनी महतारी के पास बब्रा बाहन चलाए, आज की रणभूमि में बब्रा बाहन की जीत हुई और कुंती पुत्र अर्जुन का मरण। श्रोता बंधु अर्जुन जिंदे कैसे होंगे, ये नगला भाव सिंह की धरती पर अगर आगे कदम कभी रखा तो अर्जुन जीवित भी होंगे, और इस बब्रा बाहन का संग्राम कौन से छत्री के साथ होगा तब वो अर्जुन को जिंदा कर पाएंगे। यहां से समय 5 बजे हैं, एक छोटा सा बच्चों का कहना था उसे सब ध्यान देकर के सुन लें।